अस्सलामु अलैकुम, यू आर लिसनिंग मोहम्मद हाशमी एंड वेलकम टू MH कंप्यूटर एकेडमी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम एक सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने वाले हैं कि आप इंटरेस्ट किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है और इस तरह की मैंने एक सीरीज़ बनाई है कि जिसके अंदर जो छोटे छोटे टास्क होंगे स्टूडेंट्स के लिए, जो बिगनर्स होंगे उनके लिए मैं कुछ काम करूँगा, कुछ टास्क बनाऊँगा। तो इसके लिए मैंने अपने इस चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका नेम है प्रैक्टिस प्रोग्राम इन C++। तो इसके अंदर मैं मोस्टली जो है काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जो है वो मैं परफॉर्म करके आपको बताऊंगा कि किस तरह आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। सो चलते हैं आज के टास्क की जानब। तो सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये जो इंटरेस्ट होता है ये होता क्या है। अब इसका कंसेप्ट होता क्या है कि अगर आप किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स को पैसे दिए, अब वो उसने लौटाने हैं बाद में, अब वो रिक्वायर्ड जो मुकर्रर डेट होती है उसके बाद अगर देगा तो उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट लगेगा। वो कहता है कि मैं जो है ना आपसे इतने परसेंट, यानी टोटल अमाउंट का 10% या जितना भी होगा वो आपको बताएगा कि इतना मैं आपसे लूँगा। अब इसको कहते हैं इंटरेस्ट। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको परफॉर्म कर देते हैं और मोस्टली जो है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी ये टास्क पूछा जाता है, ये क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है। सबसे पहले जो है ना प्रिंसिपल अमाउंट होती है, यानी जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को देता है वो हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट। सो एक तो हमारे पास ये हो गया, हमने एक वेरिएबल ले लिया, और दूसरा उसके बाद है कि हम जो है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नेम है आर, ठीक है। और उसके बाद ड्यूरेशन, कि यानी एक साल के बाद आप पैसे वापस करेंगे या दो साल के बाद, तो ये टाइम हो गया। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर इंटरेस्ट लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये जो चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और उसके बाद टाइम जो है ये हमने यूज़र से लेने हैं। सो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे सी आउट। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सी इन पी कि वो प्रिंसिपल अमाउंट एंटर करेगा। अब हम यहाँ एक और स्टेटमेंट लिखेंगे, मैं इसको जो है ना जल्दी से लिख लेता हूँ, तो आपने इसको पॉज करके फिर आपने भी इसको लिख लेना है, प्रैक्टिस साथ के साथ आपने करते जाना है। सो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसका सिंपल हमने एक फार्मूला लिखना है, सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू, अब हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस देने हैं, इनको बोलते हैं पैरेंथेसिस, और यहाँ पे मैंने लिखा पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको डिवाइड कर देंगे 100 के ऊपर, ठीक है। सो ये हमने लिख लिया। अब हमने इसको क्या करवाना है, शो करवाना है। सो हम यहाँ लिखेंगे सी आउट बैक स्लैश टी देना है। अब हम इसको यहाँ पे कंपाइल रन करके देखते हैं। सो यहाँ पे हम वैल्यू एंटर करेंगे, मैं यहाँ पे देता हूँ 20,000 रुपीज़, और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट के कितना परसेंट जो है आप लगाना चाहते हो रेट इसके ऊपर, तो मैं कहता हूँ कि 10%, ठीक है। मैंने यहाँ एंटर कर दिया 10। उसके बाद टाइम ड्यूरेशन जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स में होगा, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ 1 ईयर का टाइम। और उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट जो है वो 2,000 रुपीज़ का है। सो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।